एक और अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जिसमें संजय राउत ने लगाया है एकनाथ शिंदे खेमे पर गंभीर आरोप। नितिन देशमुख की हत्या की कोशिश हुई है, यह संजय राउत का बड़ा आरोप है। और साथ ही आगे वो कहते हैं कि नितिन देशमुख को पीटा गया, इंजेक्शन लगाया गया, विधायकों को अगवा किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में विधानसभा को भंग किया जाता है। जब इस प्रकार की सिफारिश भी कर सकती है, जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है, तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजदेव जी, कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुँचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान मैं आपके सामने लाया हूँ। और ऐसे बहुत से MLA वहाँ हो सकते हैं, और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो MLA गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं, खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल हो सकता है। अब तक शिवसैनिकों का गुस्सा फूट नहीं पड़ा है। उद्धव जी ने और पार्टी के सभी नेताओं ने जो संदेश दिया है कि संयम रखिए, लोग वापस आ जाएंगे।